वाराणसी और आप देख रहे हैं लाइव भारत न्यूज खबर वाराणसी से। मामूरगंज क्षेत्र स्थित सगुलान में जश्न फैशन लाइफ स्टाइल द्वारा करवा चौथ और दीपावली के उपलक्ष में भव्य मेले का आयोजन किया गया है। देखिए वाराणसी से हमारे संवाददाता अभिषेक दुबे की रिपोर्ट। मैम अपना नाम बताइए। प्रीति बाजोरिया। मैम आप यहाँ पे बाजार में आई हैं, क्या कैसा बाजार लगा है यहाँ पे, किस तरह की खरीदारी आप कर रहे हैं यहाँ पे? ये करवा चौथ के पहले ही का है एग्जीबिशन, दिवाली में करवा चौथ को देखते हुए एग्जीबिशन लगाया गया है। जश्न की चार सालों से लगातार है और बहुत ही सक्सेसफुल रह रहा है। इसमें बाहर के भी काफ़ी हैं, कानपुर, दिल्ली, कोलकाता, जयपुर के भी स्टॉल है। जैसे मैं अभी जयपुर के स्टॉल पर ही कर रही हूँ, फाइनल ईयर रिंग काफ़ी अच्छे स्टफ हैं और कलेक्शन भी काफ़ी अच्छे हैं। क्या और बाज़ारों की अपेक्षा इस बाज़ार में कुछ खास कुछ विशेष है? देखिए बाज़ार सब सेम रहता है, डिपेंड करता है कि आप क्या लगाते हो, क्वालिटी क्या है और आप क्या सर्विस देते हो क्या है। यहाँ पे क्वालिटी वाइज और प्रोडक्ट काफ़ी डिफरेंट है, काफ़ी बाहर से लोग आके लगाते हैं क्योंकि आपके वाराणसी में नहीं रहते हैं बार बार, वो हम लोग को खरीदेंगे। ठीक, थैंक यू। जी आप देखते होंगे प्रति वर्ष विभिन्न तरह की मेले जो है वो बनारस में लगता है, ठीक है, आपने ये देखा होगा। उसी के चैनल तहत, उसी के तहत एक और मेला लगता है साल में जश्न, जो बेसिकली अक्टूबर या सितंबर में ही लगता है। उसको हमारी बनारस की तीन लेडिंग लेडीज़ नैन्सी बत्रा, साक्षी कपूर और नीतू मुरारका की सौजन्य से बनारस में लगाया जाता है। इस तरह के मेले का क्या उद्देश्य है? इस मेले का उद्देश्य देखिए, दिवाली के लगभग जब ये लगाते हैं तो लोग शॉपिंग करने के जो मार्केट में जाते हैं वो एक रूप के नीचे उन्हें सारा सामान मिल जाता है जो उनके टेस्ट का होता है। और सबसे बड़ी बात इसमें ये है कि सिर्फ बनारस का नहीं, ऑल ओवर इंडिया से स्टॉल को ये लोग बुला के यहाँ पे एक साथ असेंबल्ड कराते हैं। ये बनारस वालों के लिए बहुत ही बेनिफिट है दिवाली के ओकेजन में। ठीक, नैन्सी बत्रा। मैं साक्षी कपूर। नीतू जी, आज किस तरह का स्टॉल लगा हुआ है, क्या उद्देश्य है यहाँ पे? भैया हम लोग लेडीज लोगों को सिखाने के लिए यहाँ पे स्टॉल लगाए हुए हैं और यहाँ पे स्टॉल जो हमारे हैं ना वो सब प्रकार के लगे हुए हैं और बहुत जगह से आए हैं, जिसमें कि आपकी जयपुर से है, कलकत्ता, दिल्ली और इलाहाबाद, मिर्ज़ापुर, बलिया, लखनऊ, इन सब जगहों के हैं और बनारस। इस बार इस मेले में क्या खास है? इस बार इस मेले में खास है कि हमारी कलकत्ता से टैरो आर्ट, टैरो आर्ट, टीजर आर्ट, टैरो आर्ट, ये
हेलो लीडर आई हैं और जयपुर से आए हैं स्टॉल हमारे पास, ड्रेस के बहुत अच्छे हैं, ज्वेलरी के बहुत अच्छे हैं, और दिल्ली से आई है हमारे पास होम फर्निशिंग का पूरा, और इलाहाबाद से सूट का है। नीतू जी, इस तरह के मेले लगा के आयोजन का क्या उद्देश्य है? हम लोग औरतों को इनकरेज करते हैं कि वो सब चीज़ें सीखें और आगे आए।